हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस अभी सब लोग हैं ऊपर, और गाइस अभी मैं अपना वीडियो मतलब अपना जो व्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ। सो गाइस, आज मैंने सोचा है कि आज मैं अपने हस्बैंड के ऊपर एक प्रैंक करूँगी, तो देखते हैं वो सक्सेस हो पाता है या नहीं। क्योंकि अभी वो गए हुए हैं मार्केट, क्योंकि आज ना वॉशिंग मशीन में जो है ना जो ड्रायर होता है वो नहीं चल रहा था, तो उसका कुछ टूट गया था मतलब वायर वगैरह, तो वही चीज़ लेने के लिए गए थे। आप लोगों को पता तो है थोड़ा बहुत काम जो है मेरे हस्बैंड जो है कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक वाला या कोई भी चीज़ है, तो वो गए थे वो लेने के लिए। सॉरी, गए हुए हैं चाचा के साथ में मार्केट। तो बस मैं सोच रही हूँ आज मैं उनके साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ गाइस, देखती हूँ सक्सेस हो पाता है या नहीं। क्योंकि ये प्रैंक जो है मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी, तो मैंने सोचा कि चलो उनके आने से पहले जो है ना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि कैमरा कहाँ पे सेट करना है, तो सर्दी लग रही थी, मैं थोड़ी देर लेट गई थी यहाँ पे। हुरन भी ऊपर ही खेल रही है छत पे, क्योंकि सभी लोग छत पर ही हैं, और मुझे लग रहा है आवाज़ शायद ही आ गए। तो मैं ना कैमरा सेट कर देती हूँ पहले, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। सो गाइस, मैं लेट जाती हूँ बिस्तर में, और यहाँ की तो है यहाँ की जो है बाकी सारी लाइट्स मैंने ऑफ कर दी हैं, ये दो लाइट्स मैंने जलने दी हैं। तो मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा यार, मैं कैसे रोऊंगी। कोशिश कर रही हूँ रोने की, मुझे ज्यादा रोना तो नहीं आता है, लेकिन जब कोई बात मुझे दिल पे लगती है या फिर मुझे कुछ ध्यान आ जाता है तो मुझे रोना आ जाता है। कोशिश करती हूँ रोने की। सो गाइस, मैं कोशिश कर रही हूँ आंसू लाने की, मेरे आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। सो गाइस, अभी इस चीज़ के लिए मैंने साहिबा का सहारा लिया है। मैंने उससे बोला है कि मैं रोना स्टार्ट कर रही हूँ, तो ऊपर जाके छत पर सब मतलब इनसे बोल कर आई हो कि बोलबा जी रो रही है, तो इनका क्या रिएक्शन होता है, सब लोग आते हैं या नहीं, जो भी है। क्योंकि पहला प्रैंक वीडियो, थोड़ा सा डर तो लग रहा है, पता नहीं फेल होगा या फिर जो है पास होगा, लेकिन उस चीज़ का जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है साहिबा, मैं लेट जाती हूँ गाइस।
क्या हो गया आग रो रही है हैं क्या हो गया हंस रही हो तो कौन मारा हैं क्या हो गया आग रो रही है तूने मारा क्या हो गया कौन कर रही है नहीं पानी गर्म कर दिया था कितनी देर पानी गर्म कर दिया मेरे ऊपर बढ़िया थी हाँ चाचा सुन पानी गर्म कर दिया कुछ बात नहीं हुई क्या बोल तो सही कछु क्या हुआ है तो पता तो चल कोई बात है कैसा लग रहा है बता तो सही क्या बात है जी क्या हंस रही है मैंने इसे बोला कि तू ऊपर जाके बोल के तभी याद नहीं आ रही है सब लोग रोने लगे मेरे साथ साथ में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इनकी सबकी आंखें लाल हो रही है प्रैंक कर दिया मैंने आज सबके ऊपर ना
ये देखो मम्मी, मम्मी की आंखों में आंसू थे। मम्मी मुझे देख के रोने लगी थी। मम्मी देखना देखना। तुम सच में समझी थी। गाइस मेरा प्लान सक्सेसफुली रहा है, सब लोग आ गए एकदम साथ में, क्योंकि मैंने प्लान ही ऐसा किया था, क्योंकि सब लोग ऊपर ही थे छत पे। मैंने साहिबा से बोला, साहिबा सबसे सबसे तो नहीं, इनसे बोल के आना, क्योंकि ये भी ऊपर ही है काम कर रहे हैं, तो बोल के आना कि सबको सुनाई दे, इतना जोर से बोलना कि बुलबुल बाजी रो रही है, है ना साहिबा। फिर सब लोगों ने सुन लिया, फिर जल्दी जल्दी से सब लोग एक साथ में आ गए। सब में पहले दूल्हा भाई आए थे। हाँ जल्दी से भाग के तन मम्मी कह रही काय के लिए ओला आज क्यों हो गया, बुलबुल को रो रही है। मैंने ऐसा प्लान किया कि सब लोग को लगे कि हाँ ऐसा कुछ है, पर अभी रोने लगी, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने काम को दिखाती तो नहीं हूँ, लेकिन बस यही है ना कि कमेंट्स में इनको भी पता है कि मम्मी भी कमेंट्स पढ़ती हैं, खाला भी कमेंट्स वगैरह पढ़ती हैं, भाभी भी पढ़ती हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ कमेंट्स आते हैं कि बिल्कुल काम नहीं करती है, तो बस मैंने यही टॉपिक पकड़ लिया और फिर मैंने इस पे ही जो है लगा मुझे सब सब लोग यकीन कर लेंगे। लव थैंक यू साहिबा, इन सब में साहिबा का क्रेडिट जाता है। हेलो मुन्नू, आपको लगा तो मम्मा लोली है हैं? और ये खा रही है यहाँ पे सीरमाल जो कि इनके मामू लेकर आए थे। और हम सब मिलकर अभी यहाँ पे खा रहे हैं सीरमाल। मम्मी उनको कैसा लगा था, क्यों रो रही हूँ मैं, मतलब कुछ सोचा तुमने? देखो इस लड़की को, इसने क्या हालत बनाई है अपनी। देखो कटोरी पटोरी नीचे, देखो नीचे कटोरी पटोरी सब सब नीचे फेंक दी उसने, कटोरी पटोरी ऐसा खाना खाएंगे, देखो लेगी गंदी हो गई उनकी, गंदा बच्चा हो गया। सब लोग रोने ही वाले थे तो इसलिए मैंने बंद कर दिया जल्दी से कि चलो ठीक है इतना ही बहुत, लेकिन कैसा लगा वो मुझे बताना कमेंट करके। और चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, करो टाटा, कर दो टाटा, आहा बंद कर दो।